लब का फरीदा
अहमद साहब का, कासिम अली साहब का, नफीस हुडा साहब का। मेरी तकरीबन हमने अभी तक जब से पाकिस्तान बना है और जब से होश संभाली है, एक लफ्ज हमें हर बार सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, इसके हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है कि जब से पाकिस्तान बना हुआ है कभी ये नहीं सुना कि पाकिस्तान बहुत खुशहाल है, हमेशा यही सुना कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। इसमें कमी किस चीज की है? क्या हुक्मरान गलत हैं? क्या लोग गलत हैं? या निजाम गलत है? सबसे पहले तो ये चीज समझनी है कि हम इस चीज में गलत क्या है। जितनी देर तक किसी भी चीज में गलती तलाश या कमजोरी तलाश ना की जाए तब तक उसका हल नहीं मिलता। पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ लोग 300 से 400 रुपए रोजाना कमाते हैं, जो कि महाना 10,000 रुपए 12,000 रुपए बनता है। अब पाकिस्तान में इनके लिए कौन ऐसा शख्स है जिसने कभी कोई प्लान किया हो कि इनको कारोबार दिए जाए, इन लोगों के लिए कुछ किया जाए? बेसिक इनकम सपोर्ट उनके लिए एक वक्त था बनाया गया। एक मुहावरा है चीन का कि अगर किसी को अगर कोई भूखा है तो उसे मछली ला कर ना दो, उसे बताओ कि मछली पकड़ने कैसे है। अगर हमारे पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है तो अभी तक उसके लिए कोई ऐसा निजाम या कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि उनकी गुर्बत को खत्म किया जाए, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया गया कि जहां पर जाके वो कोई ऐसा काम कर सके। अगर तालीम याफ्ता नहीं तो वो मोटर मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन या कोई अच्छी चीज जिसमें वो एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है ऐसा काम कर सके। इन तमाम की वजूहात क्या है? हमारे मुल्क में जितने भी बच्चे हैं, 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों से बाहर है, स्कूल में नहीं जाता, उनकी जहनी कमजोरी, उन लोगों को सही खुराक ना मिलने की वजह से जहनी और जिस्मानी कमजोरी होती है, जिसकी वजह से जो दूसरे ममालिक के लोग जिस तरह दूसरे ममालिक के लोग अपने बच्चों की खास परवाह करते हैं, उस तरह पाकिस्तान में इन बच्चों की हिफाजत नहीं की जाती। आज अगर देखा जाए तो फलस्तीन के बच्चे जहां पर मुसलमान रजा बारा मुसलमान रजा बारा मुसलमान रजा बारा जहां पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ, अगर देखा जाए वहां की तालीम आज सबसे बेहतर है। वो समझते हैं कि हमारे मुल्क के बच्चे जो उनका उस जगह के बच्चे, वो समझते हैं कि आने वाला मुस्तकबिल है, और अगर बच्चों की अच्छी तरबियत होगी तो आने वाला मुस्तकबिल अच्छा होगा। हमेशा जो बुजुर्ग बैठे हैं वो अपनी जिंदगी एक जिंदगी का हिस्सा गुजार चुके हैं, नौजवान जो यहाँ पर बैठे हुए अभी भी मुश्किलात का सामना है, उनके पास तालीम नहीं, रोजगार नहीं, अभी भी उन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है।
और जो बच्चे हैं वो भी नादान, उनको नहीं इस चीज का इल्म कि उनके लिए कल को क्या बनने जा रहा है। इन बच्चों के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा काम किया जाता है। वो समझते हैं कि अगर बच्चों की अच्छी तरबियत होगी तो ही आगे हमारा फ्यूचर बेहतर होगा। जिस वक्त बच्चा पैदा होने से पहले उसके लिए इकदाम शुरू कर दिए जाते हैं। इसराइल जैसे लोग वहां पर वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हिस्ट्री को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। कुरान पाक या इस्लामी किताबें जितनी भी गुजर चुकी हो, ईमान लाए या ना लाए, लेकिन उस पर मुतालिया करते हैं और देखते हैं कि किन किन चीजों की जरूरत है। और वो उसी तरह बच्चा पैदा होने से पहले उसकी माँ को खिलाते हैं ताकि बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पे मजबूत हो। और आज उनका नौजवान बच्चा बड़ी बड़ी कंपनी चला रहा होता है। आज पाकिस्तान में 50% से ज्यादा खवातीन हैं जिनके लिए कभी कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि वो घर बैठे कोई ऐसा काम कर सके जिससे पाकिस्तान को भी फायदा हो, खुद की भी जरूरियात पूरी की जा सके और पाकिस्तान को भी फायदा हो। हमारी खवातीन यहाँ पर बैठी हुई है, अगर मैं इनसे पूछूं तो भी जवाब यही होगा कि करने को कुछ भी नहीं, मुश्किल से मजबूरी से बाहर निकलना पड़ता है रोजगार के लिए। क्यों इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, क्यों इनके लिए कोई ऐसा निजाम नहीं लेकर आया जाता कि वो भी काम कर सके और अपना रोजगार बेहतर कर सके। इन सब की वजूहात क्या है? जितनी देर तक हम खुद नहीं ठीक होंगे कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मैं समझता हूं इससे हम सबको पहले खुद ठीक होना चाहिए। हम हमेशा ऐसे लोगों को वोट में तैयार हैं जो अपने जाति मुफादात को सबसे पहले रखते हैं और अपने इलाके के मामलात को बाद में रखते हैं। मैं समझता हूं कि अभी ऐसे लोग जो अवाम के हक के लिए बोल सकते हैं, जो उनके लिए आवाज बुलंद कर सकते हैं, जो असेंबली में बैठ के उनके लिए आवाज बुलंद करें, उनकी सेहत के लिए आवाज बुलंद करें, उन लोगों को वोट देना चाहिए, ना कि जो असेंबली में बैठे हुए ऐसे लोग जो सिर्फ डेस्क पे जाते हैं। इस टाइम नौजवान भी खड़े हुए हैं दुकानों में, बच्चे भी बैठे हुए हैं, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। मेरी इनसे एक ही अर्ज़ाना गुजारिश होगी कि सबसे पहले ये देखा जाए कि कौन ऐसा शख्स है जो तलीम हमारे बच्चों की तलीम के बारे में सोचता है, इनकी सेहत के बारे में सोचता है, रोजगार के बारे में सोचता है। 35 साल हो गए नून लीग ने ऐसा कौन सा काम किया है सेहत के लिए, ऐसा कौन सा काम किया है तलीम के लिए? आज एक अगर प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाह जो 20 से 25 हजार रुपए उस्ताद की होगी, सरकारी स्कूल में इनसे ज्यादा होती है, 70 हजार एक सरकारी टीचर की तनख्वाह होगी। वहां पे माली भी होगा, पानी पिलाने वाला भी होगा, घंटी बजाने वाला भी होगा, हर चीज वहां पर होगी, लेकिन खिड़कियां टूटी हुई होंगी, पुरानी कुर्सियां होंगी, मट्टी से भरे हुए कमरे होंगे। कौन है इस निजाम को जो चेंज करे? हमारे मुल्क में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, कौन है जो एजुकेशन पे बात करे? यहां पर
जो भी पहले आज से पहले एमपीए में आए, उन्होंने हमेशा सड़कों की बात की, गटरों की बात की। अगर उनको सड़कें गटर बनाने का इतना शौक है तो एलडब्ल्यूएमसी में जाके काम कर ले, वहां पे मशीनरी भी है, हर चीज है। पार्लियामेंट में सबसे पहले तो हमें देखना है कि उसका काम होता क्या है। अगर कोई यहाँ से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में जाता है, असेंबली में बैठता है, तो उसका सबसे पहले हमें जो चीज देखनी है कि उसका काम है क्या वहां पर बैठ के, क्या सिर्फ सड़कें बनाना है, क्या उसका काम होगा क्या, क्या अगर कोई शख्स बीमार है तो वो इलेक्ट्रिशियन के पास जाएगा, जब वो डॉक्टर के पास जाएगा। हमारी असेंबली में वो लोग बैठे हुए हैं जिनको पॉलिसी का पता नहीं कि किस चीज की जरूरत है अभी हमारे इलाके में, किस चीज की जरूरत है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का आईन 1973 का जो बना, मैं उसकी अभी एक मिसाल देता हूं कि अगर किसी बच्चे को नए कपड़े पहना दिए जाए और चंद सालों बाद अगर बच्चा बड़ा हो जाए तो क्या उसको वही लिबास पूरा आएगा, वो लिबास उसको दोबारा पूरा नहीं आएगा। हमारे पाकिस्तान में हर 5-10 साल बाद जरूरियात बढ़ती है, बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, मसाइल आ रहे हैं एजुकेशन में, हेल्थ में एजुकेशन, नई से नई बीमारी आ रही है। क्या हमारा जो 1973 का आईन है वो पुराना नहीं है, उसको अगर मैं उसके अंदर अमेंडमेंट साथ साथ होनी नहीं चाहिए, और अगर अमेंडमेंट करनी है कि हमारे इलाके के अंदर ये मसाइल हैं, अगर अमेंडमेंट करनी है कि हमारे इलाके में ये बीमारी है या पाकिस्तान के अंदर ये बीमारियां हैं, तो वो काम किसका है? वो असेंबली में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस का काम है, ना कि वहां पर बैठ के डेस्क बजाना। असेंबली के अंदर बैठ के उनका काम है कि हमने पॉलिसी बनानी है, हमने आवाम के लिए काम करना है। वो यहां पर आते हैं और सड़कें बनानी शुरू कर देती, ठेकेदारी का काम करना शुरू कर देते हैं। आज ये बच्चे जो लाइन के अंदर बैठे हुए हैं, इनके चेहरों की तरफ देखें, इनकी तालीम के लिए कौन सोचेगा, इनकी सेहत के लिए क्या सोचेगा? अगर इनको किसी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बैठा दिया जाए तो उनके बच्चों में और इन बच्चों में फर्क नजर आएगा कि नहीं? हमारे पार्लियामेंट में जितने भी एमपीए हैं, पहले उनका अपना किरदार देखा जाए कि वो लोग कैसे हैं, उनकी अपनी तालीम कितनी है, क्या वो इस चीज के अहल हैं कि वो इन लोगों के लिए काम भी कर सकते हैं कि नहीं? हमें इस चीज पर बहुत जोर देना होगा। आज जो हालात है पाकिस्तान के, कोई आम बंदा इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, जितनी महंगाई हो चुकी है। और इस चीज की महंगाई की वजह असल में वही हमारे पार्लियामेंटेरियन से जो इतने सालों से हमारी असेंबली के अंदर बैठे आ रहे हैं, जिन्होंने कभी आवाम के लिए नहीं सोचा, हमेशा अपनी ठेकेदारी की। मेरी इन बुजुर्गों से और ये नौजवानों से गुजारिश होगी कि वोट डालते हुए कम से कम एक चीज सोचा करें कि अगर ये बंदा पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, क्या ये वही सड़कें बनाएगा या हमारे लिए मजीद काम करेगा? मैं समझता हूँ ये सड़कें बनाना ये बल्दियात का काम है, ये एक पार्लियामेंटेरियन का काम नहीं है। हमारा मुल्क जितना भी कमजोर
सिर्फ इस वजह से कि हमने ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में बैठा दिया जो इस उस चीज के हल नहीं थे। आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं, वो कमजोर है अपनी तालीम की वजह से। उनकी तालीम के लिए कोई बेहतरीन निजाम नहीं आया, कोई बात करने वाला नहीं कि उनके हक के लिए खड़ा हो जो बात करे। आज अगर तालीम हो तो रोजगार बढ़ते हैं। अगर मैं वकील हूं, मेरे पास मीडिया की डिग्री है, तो मैं अपना काम कर सकता हूं। यहां पर कोई एक शख्स अगर पढ़ा लिखा होगा, कोई भी शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, वो कल को वो भी स्टेज पर खड़ा हो सकता है, लोगों को बता सकता है कि मैंने ये मसाइल देखे, उनको बेहतर करने के लिए वो भी बता सकता है। लेकिन हमारी गलती हमेशा यही रही, हमने उन लोगों को आगे लेकर आए जो इस चीज के हल नहीं। मेरी खवातीन से जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं और नौजवानों से गुजारिश होगी, इसके बारे में आप लाजमी सोचें, और जब वोट डालने लगे तो कम से कम अपना जो नुमाइंदा हो उसको देखें कि ये चीज का अहल भी है कि नहीं। अगर जो लोग अहल हैं, अगर आपने उनको वोट डाला, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पाकिस्तान में इंशाल्लाह खुशहाली आएगी अगर उसका तालीमी सेहत का निजाम बेहतर होगा। मेरी जनाब से सबसे गुजारिश है कि जब भी मौका मिले आप लोगों को, और जितने लोग यहाँ पर मौजूद अगर नहीं है तो उन तक भी अगर आप मैसेज इस चीज को पहुँचा सकते हैं तो वो लाजमी पहुँचाइएगा। ये मेरे अकेले का काम नहीं, ये हर बंदे का काम है कि वो इस बार कम से कम सोचे कि हमें करना क्या है, किस बंदे को लेकर आना है। हमारे लिए अगर किसी ने सोचा है तो सिर्फ इमरान खान है, जिसने इस चीज के लिए सोचा कि पाकिस्तान में सेहत का निजाम सबसे बुरा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, उन्होंने सेहत कार्ड लेकर आए ताकि लोग आसानी अपना इलाज करवा सके। मैं उस वक्त सीएम ऑफिस में होता था, मेरा बड़ा भाई वजीर आला शिकायत सेल का चेयरमैन था, वहां पर ये प्लान होता था कि हम आखिरी साल के अंदर तालीम को फ्री करेंगे, हर बच्चे को तालीम देंगे, हर बच्चे को फी बच्चा 5,000 रुपए लगाएंगे ताकि वो तालीम हासिल कर सके। आज कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जहां पर इतनी महंगी तालीम है कि आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल है कि तालीम हासिल कर सके। हम सबको मिलके ये एक ऐसा टाइम है कि अगर अभी ना सोचा गया तो हम एक वक्त होगा कि हम पाकिस्तान में गुलाम बन के रह जाएंगे। ये टाइम अभी सोचने का और बेहतरीन लोगों को लेकर आने का जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। इमरान खान वाहिद ऐसा शख्स है जो हक की बात करता है, जिसने हमेशा हक की बात की, हकूक की बात की, तालीम की बात की, दुनिया में हर जगह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। आज हम सबको मिलकर उनका साथ देना होगा, और मैं समझता हूँ अगर इमरान खान का आज भी गली गली से जितने भी लोग हैं, अगर वो उनका साथ अगर आज ना देंगे तो पाकिस्तान सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान रह जाएगा। मेरी आज
मेरी अजान का टाइम है, मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा जब वोट का वक्त हो तो आप लोग जरूर सोचें और कभी मौका मिले कि अगर इमरान खान को सपोर्ट करने का तो हर हद तक उसको सपोर्ट करें। जनाब मलक खादम हुसैन पारा साहब को दावत दूंगा, उनसे आने से पहले एक शेर आपकी नजर करूंगा कि किसी की हक के तल्फी न रहेगी अब गुलिस्तां में, किसी की हक के तल्फी न रहेगी अब गुलिस्तां में, मिलेगी खुश्क फूलों को भी शक्ल देखते रहे। मलक खादम हुसैन पारा साहब। और भाइयों बुजुर्गों और बच्चों अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन का नहीं शुरू हुए, लेकिन इलेक्शन तो पहले पहले छोटी छोटी मीटिंगा जी वो शुरू हो गया। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 आया, अज 2022 साल गुजर रहा है, तरह तरह के लोग आए गए। पहले एक दफा जनाब गुरुद्वारे ने गुरु साहब आए सन जिन्होंने काफ़ी काम किए, लेकिन कुछ ऐसिया सियासा कि जरा उन्होंने काम रोका, उन्होंने सजाए लोग दे दी। उस बाद जिन्हें भी एजेंसियां अमेरिका या जापान या जो भी है जो पीछे पाकिस्तान के पीछे लगे, उस बाद एक बंदा जरा नाम इमरान खान वो पाकिस्तान में मिले है, 3 साल हुकूमत की थी और जिन्हिया ने चोर बजारी 19 अप्रैल 1985 नू लीग आई और 27 मई 1918 तक हुकूमत रही है। चंद दिन पीपल पार्टी के बेनती की हुकूमत आई है, 1 साल इन्होंने कर दी है, उस बाद असम्बली जी उन्होंने फारग कर दिया गया, फिर दोबारा हुकूमत आई है तो 2.5 साल वाले गुजरे ने फिर हुकूमत फारग कर दी है। इस टोले जोड़ा अज टोला इस पाकिस्तान उत्ते मुसलत देखना दे कि क्या पाकिस्तान का वजूद पहले नालों सही है या ठीक जा रहा है। जेडे MPA MLA आ गए ने उन्होंने ट्वीटा दिखाई जाए पैसे लाए, जिन्हें पैसे लैके टिकट लैनी है उन्हें कमाई भी ना करनी है, तो यो ही हाल होना है। दो सड़क असि देखने पे ना सड़क सीधिया होनी ने ना तलीफ सीधी होनी ना किसी व्डे छोटे की इज्जत होनी। इनका सारा कसूर जोड़ा है ना मैं कहना साडा है, यानी कि आवाम का है। आवाम ने नहीं देखना कि ये ऐसे जो कौंसलर ने या PTT मेंबर ने या सुनाई समझते ने या कौमी समझते ने, जोड़ा बंदा आया जिन्हें पैसे खर्च किए 5-7 गड्ढे नाल आवाम देखना बड़ी चाहती है कि यह बंद 5-7 गड्ढे ने कोई इज्जत नहीं कोई इंतराम नहीं। इतने इसे बाजार के बच्चे मैं अगला जलसा रखना उसीबे बुला लेंगे, तुम्हें देखना दुनिया कितने किधरों आ गए हैं, तो जो मस्जिद से बुलाओ तो कोई मार पड़ने जे अगर मस्जिद के बच्चे ही दावा दे रहे हो बुलाता दे रहे हो दुनिया घट आ गई और जिस जगह उत्ते नसीबो के गाने पा दो दुनिया अंत आएगी और सब रोड पड़ेगा। मेरी गुजारिश है मैं ज्यादा मैं गल नहीं करता, जो पाकिस्तान के हुन हालात है ना
इन्हों 41 साल हो गए ने मोदी जी 41 साल हो गए ने इन्होंने कब्जा करवाया और इन्होंने अवाम को जलील कर दिता है और चाहते तो तुम देखना यह लुट मार के भी हुई है ना साड़िया भैन धीं मावा जाए ने और पर्स जो खो के लै जाते बैठे उल्टा ही पर्स खो गए हैं अगों अगों देखो की होता है इन्हें लुट मार कर दी है पाकिस्तान का जिन्ना खजाना है जो इमरान खान की हुकूमत आई थी उदों भी खजाना खाली थी लेकिन पैसे कट्ठे करते बंद तीन साल गुजर जाए फिर डाका मारे फिर जाके बंदे कुछ कोरोना गुजर गया कोरोना पैसे ले आई है कुछ इन लोगों ने नुटमल शुरू की है और असं साढ़े हम जलील होते टाइम आ गए यह मेरी गल याद रखना इन्ना जलील होना है इतने कदरों गल शुरू होनी है 300-400 उत्ते तेल चला जाना है जिन्हें किसी गरीब भैन ने या गरीब भरा ने किसी ने भैन भी आनी है या किसी मां ने बेटी भी आनी है अज सोना 2 लाख दुते हो गए जी 2 हज़ार की 3 हज़ार की चावलों की बोली आती तोड़ा आता से वो अज 20 हज़ार का हो गया कम से कम ये देखो कि कसूर किसका है कसूर साडा है जिसे पर बंदे आ जाते जिन्हें ने आकर जमाता कर लिया ने और कब्रस्तान के जमीना वे के इतने आ जाते हैं डाके मार के कब्जे करके इलेक्शन से खड़े हो जाते हैं अभी गवर्नमेंट मुक्ति देते हैं कम कम तलीम जाफ्ता बच्चा होगा और समझी जो बोलेगा समझी के हालात ठीक होंगे आ खान पीन का इंतजाम खत्म हो जाएगा वो पैसे साढ़े महल्या के बच्चे कहते होंगे तो फिर महल्ले भी साढ़े साफ सुथरे हो जाएंगे तो जो तुम्हें यह इंतजाम बनाया ना मैं खुल खुला कहना पा वहाँ की कसूर साढ़ा है अवाम का कि अवाम दे के वोट नहीं देती इन्हों टिकट कितों मिल गई है नवाज शरीफ वालों इन टिकट कितों मिल गई है कहना चाहता वहां कि अपना वजूद बुलाओ और अपना
पाकिस्तान की खैर चाहते हैं जनाब साईं हकीम बशीर साहब जिनकी कावज से जिनकी मोहब्बत से मौलाना लतीफ साहब की या अल्लाह जिन्होंने मिलकर ये एहतमाम किया या अल्लाह हमें मुकीम लोगों को बुलाया मौला करीम हम सब की मदद फरमा करम फरमा।